नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस 5 पांडव से लड़ रही पीएम मोदी, शिवराज चौहान, ईडी और आयकर विभाग, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। हमारे फिलिस्तीनी भाई पीड़ित है, वहां के लोगों को नरसंहार जैसी आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल हमास जंग पर बोले केरल के सीएम पिनराई विजयन। ये स्थिति हमेशा के लिए जारी नहीं रहने दी जा सकती, बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पराली जलाने पर तुरंत रोक का आदेश। मुख्यमंत्री की इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा की कड़ी निंदा करती हूं, नीतीश कुमार को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, बिहार के सीएम के बयान पर बोली डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में होगी बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नीतीश कुमार तुरंत माफी मांगे, मुख्यमंत्री का शर्मनाक और बेहद अभद्र बयान है, बिहार के सीएम के बयान पर बोली महिला आयोग की चीफ रेखा शर्मा। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और भविष्य में भी ऐसा बना रहेगा। देश भर ने से संघ के 357 नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में 71% मतदान, कांग्रेस बीजेपी ने ठोके जीत के दावे, नक्सली इलाकों में दिखा गजब का उत्साह। पालघर में एफडीए ने पकड़ी नकली मावा की बड़ी खेप, दिवाली के मौके पर मुंबई में होनी थी सप्लाई, मिलावटी खोया और तेल पकड़ा गया। पत्रकारों के फोन और लैपटॉप जब्त करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, केंद्र को जारी किया निर्देश, न्यूज क्लिक से जुड़े 46 पत्रकारों के घरों में की छापेमारी। मणिपुर में फिर हिंसा, 2 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल, 40 म्यांमारी घुसपैठिए गिरफ्तार, म्यांमार ने इंडो म्यांमार बॉर्डर सील किया। कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर फरवरी के बीच गुजरात से मेघालय तक जाएगी, पहली यात्रा 145 दिन चली थी। आदित्य एल1 ने सोलर प्लेयर्स की पहली फोटो कैप्चर की, इसरो बोला हाई एनर्जी एक्सरे झलक इस बात का संकेत कि मिशन अब तक सही। अमित शाह का रथ बिजली के तारों से टकराया, बाल बाल बचे केंद्रीय गृह मंत्री, सड़क के ऊपर झूल रही थी लाइनें। सोनीपत में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी विवादों में, प्रोफेसर ने छात्राओं से डेटिंग ऐप डाउनलोड कराया, इंडियन आर्मी को गलत बताकर मानव बम बनाना सिखाया। गाजियाबाद में शराब पीते समय 2 दोस्तों में विवाद, दोस्त ने की दोस्त की बलकटी से काटकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में दिवाली को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क, पटाखा बाजार में व्यवस्थाएं करने के निर्देश, अग्निशमन की ओर से बाजार में पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। पीलीभीत में घटिया सामग्री से हो रहा निर्माण कार्य, मुखिया के आदेशों को पलीता लगा रहे कर्मचारी, निर्माण कार्य वो भी पीला ईंट भट्ठा से हो रहा है। रायबरेली में बेटी पैदा होने पर पति हुआ नाराज, पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, पीड़ित महिला ने पुलिस से की शिकायत। अम्बे
अंबेडकर नगर में अभियुक्त और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, अभियुक्त के पैर में लगी गोली, अज्ञात बदमाशों ने एक महिला का सोने का चेन खींचकर फरार हुआ। अलीगढ़ में दबंगों का कहर जारी, दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में रोडवेज और डगामार बस की भिड़ंत, हादसे में एक यात्री की मौत, कई यात्री घायल, हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर मौत। लखनऊ में डायल 112 कर्मचारियों की हड़ताल का मामला, प्रदर्शन के बाद एडीजी अशोक कुमार सिंह हटाए गए, डायल 112 की जिम्मेदारी नीरा रावत को सौंपी गई। लखनऊ में कोर्ट ने सुनाई आरोपी केदारनाथ राठौर को मृत्यु दंड की सजा, नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के बाद की थी आरोपी ने हत्या। प्रयागराज में योगी सरकार के आदेशों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां, ब्लॉक दिवस भरा मजाक, खाली मिली वीडियो की कुर्सी, महीने के पहले और तीसरे बुधवार को आयोजित होना है ब्लॉक दिवस। औरैया में नुक्कड़ नाटक के दौरान विवाद, दो पक्षों में विवाद, महिला को लगी गोली, नुक्कड़ नाटक के दौरान ये विवाद हुआ। बहराइच में पुराने रंजिश में जानलेवा हमला, युवक की हालत नाजुक, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मामले की जांच लगातार जारी। लखीमपुर खीरी में अपहरण के बाद बोरी में मिला बच्चा, मासूम को गन्ने के खेत में फेंका, आरोपी पिता पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में डेंगू का डंक, नगर निगम के दावे फेल, बीमारियां लगातार दे रही दस्तक, बीच रोड पर कूड़ा पड़ा मिला और कीड़े और मच्छर बीमारियों को दस्तक दे रहे। लखनऊ में यूपी एटीएस गिरफ्तार आतंकियों से करेगी पूछताछ, आतंकियों के तार एएमयू से जुड़े होने की संभावना, एएमयू के छात्र भी एटीएस की रडार पर। आयुष्मान कार्ड बनाने की कवायद हुई तेज, अधिकारियों को दिए गए सख्त दिशा निर्देश, शिविर लगाकर बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। लखनऊ में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली सफलता, दुबई से लौटे यात्री के पास से 675 ग्राम सोना बरामद, प्राइवेट पार्ट में छुपा कर लाया गया था सोना। लखनऊ में ईओडब्ल्यू ने छात्रवृत्ति घोटाले मामले पर की कार्रवाई, हाथरस के तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार, लखनऊ के जानकीपुरम आवास से गिरफ्तार किया। लखनऊ में दिवाली से पहले ही जिले की हवा हुई जहरीली, राजधानी लखनऊ में भी दिल्ली का असर, लखनऊ का एक्यूआई लेवल हुआ बेहद खराब। धरने को खत्म कराने में मानवता को भूली पुलिस, आंदोलन महिला कर्मियों के वॉशरूम पर डाला ताला। महिला कर्मियों के विरोध प्रदर्शन के बीच यूपी 112 के डीजी हटाए गए, नीरा रावत को मिली जिम्मेदारी। महज 2 लाख में लिखवाई गई थी 5,400 वर्ग जमीन, दबंगई के बल पर कौड़ियों के भाव में किया गया था करोड़ों का सौदा। दीपोत्सव में राम की पैड़ी के 51 घाटों पर पहुंचाए गए 24 लाख दिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की टीम पहुंची अयोध्या, 6 बार यहां का आयोजन विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। पीट पीट कर चेहरा बिगाड़ा, फिर हाथ पैर बांध कर कुएं में फेंका, तड़प कर निकले प्राण देखकर बिलख पड़े घर वाले। घर से बाजार जा रहे युवक को दबंगों ने असलहों की बट से पीटा, हालत गंभीर, जमीनी विवाद का मामला।
सुविधा लेकर यात्री को सीट देने वाला टीटी निलंबित, कटघरे के पास चटकी पटरी एक घंटे खड़ी रही जनशताब्दी। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, बुलडोजर मनमानी के लिए नहीं है, घर की एक ईंट रखने में वर्षों लग जाते हैं। रामपुर के बाजारों में 3 दिन नहीं चलेंगे वाहन, भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लागू की व्यवस्था। खुली मिली निर्माण सामग्री, 52 लोगों पर 4 लाख का जुर्माना, दी गई कड़ी चेतावनी। भू माफिया कमलेश और मनोज समेत 3 पर एक और केस एम्स थाने में दर्ज हुआ मामला। अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी के साथ किए बाबा केदार के दर्शन, प्रशंसकों ने ली सेल्फी, लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। धामी सरकार ने प्रदेश के 6,200 कर्मचारियों को दिया पुराने पेंशन का विकल्प, अधिसूचना हुई जारी, सभी को 15 फरवरी तक यह विकल्प चुनना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षण भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा, 2 लाख अभ्यर्थियों को करना होगा इंतजार। दो सहकारी समितियों में स्टाफिंग पैटर्न में गड़बड़ी आई सामने, लापरवाही पर सचिव निलंबित, जांच के आदेश। ऊंचाई वाले इलाकों में आज बदलेगा मौसम, बारिश से मैदानी क्षेत्रों में भी बढ़ सकती है ठंड। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद का परचम, अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का 56 और एनएसयूआई का 32 पदों पर कब्जा। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खनन पट्टों पर पूर्व में लगी रोक, सशर्त हटाई गई 47 खनन लॉज की निविदा खोलने का आदेश जारी। हाईकोर्ट के जज ने किया काशीपुर कोर्ट का निरीक्षण, अधिवक्ताओं की समस्या सुलझाने की उठी मांग। डीएवी कॉलेज में एबीवीपी को हराकर पहली बार आर्यन ग्रुप ने जीता अध्यक्ष पद, मतदान में छात्रों के मुकाबले छात्राएं अपने वोट का प्रयोग करने में आगे रही। अटारी में पकड़ी गए हीरोइन मामले में एनआईए के उत्तराखंड में छापे, दस्तावेज किए बरामद, एनआईए इस तरह के छापे के लिए स्थानीय पुलिस से मदद मांगती है। एम्बुलेंस को बनाया तस्करी का जरिया, कट्टों में भरकर ले जा रहे थे 218 किलो गांजा, गिरफ्तार। सीएम धामी ने सिद्धि विनायक मंदिर में किए दर्शन, फिल्म जगत की हस्तियों से हुए रूबरू, मुंबई के फिल्म निर्माताओं ने शूटिंग के लिए दिखाया उत्साह। पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति, कुलपति ने प्रस्तुत की विश्वविद्यालय की रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी लाखों किसानों को गुणवत्ता पूर्वक बीज उपलब्ध करा रही है। आयुष वेलनेस क्षेत्र में नए निवेश पर करार, 6,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, सम्मेलन से पहले 800 करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा। कोटद्वार पौड़ी नेशनल हाईवे पर आधमका हाथी, राहगीरों में मची अफरा तफरी, लगा लंबा जाम। यूक्रेनी मेजर को बर्थडे पर गिफ्ट में मिले ग्रेनेड, बेटे ने बम से निकाला छल्ला, हुआ जोरदार धमाका।
अफगानिस्तान के काबुल में धमाका, 7 लोगों की मौत और 20 घायल, शिया क्षेत्रों को बनाया जा रहा निशाना। नागरिकों को बचाने में रहे नाकाम, थोड़ी देर के लिए रोकी जा सकती है जंग, इजराइल के पीएम का बयान, जंग में हालात बद से बदतर। इजरायली मंत्री के बयान ने कई सवाल खड़े किए, गाजा पर परमाणु हमले की धमकी देने पर भड़का रूस, इजरायली मंत्री के खिलाफ लिया गया एक्शन। अमेरिकी नेताओं को भार आया है न्यू जर्सी का अक्षरधाम मंदिर, कहा सेवा और भक्ति के मूल्यों की है निशानी। ठीक एक महीने बाद इजरायली सेना को मिली बड़ी कामयाबी, गाजा में हमास के गढ़ पर किया कब्जा, अस्पतालों के बारे में झूठ फैला रहा इजरायल। जंग खत्म होने के बाद गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी हमारी, बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू, गाजा में इजरायली सेना तेज बमबारी कर रही है। जंग के बीच इजरायल कर रहा कामगारों की तलाश, भारत के साथ चल रही बातचीत, गरीबी और लाचारी में जी रहे गाजा के लोग। उड़ान के दौरान फ्लाइट में हुई पिता की मौत, भारतीय मूल की महिला ने कनाडा एयरलाइंस कंपनी को ठहराया जिम्मेदार। फ्रांस के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर मुसलमानों ने दर्जनों की संख्या में पढ़ी नमाज, मचा बवाल, नमाज की घटना को बताया गया दुर्भाग्यपूर्ण। रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी देश की सबसे बड़ी बॉन्ड सेल, जुटाएगी 20,000 करोड़, इस दिन होगी नीलामी, 11 बैंकिंग भारतीय कॉरपोरेट का सबसे बड़ा ऑफर। त्योहारों से पहले शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 65,100 के ऊपर खुला तो निफ्टी 19,450 के पास ओपन। अमेजोन फाउंडर जेफ बेसोज ने जॉब छोड़ने के लिए एम्प्लॉयज को दिया लाखों का ऑफर, 4 लाख रुपए लेकर छोड़ सकते हैं कंपनी। नोटबंदी के साथ साल 2016 की नोटबंदी पर चर्चा का दौर खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन इस साल मई में 2000 रुपए के नोटों को भी चलन से बाहर करने का फैसला हुआ। जीएसटी का दायरा बढ़ाने की तैयारी में सरकार, वित्त मंत्री ने बताया प्लान, कारोबारी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। वोल्टास ने होम अप्लायंसेस कारोबार बेचने की खबरों का किया खंडन, बोली गलत खबर के चलते शर्मिंदगी उठानी पड़ी। भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर, $80 प्रति बैरल के नीचे फिसला कच्चा तेल, कच्चा तेल फिर से $90 प्रति बैरल के पार जा पहुंचा। त्योहारी सीजन में केंद्र की राज्यों को सौगात, समय से पहले जारी किया गया टैक्स से हुई कमाई का पैसा। $47 अरब का बेस्ट स्टार्टअप बनी कंपनी वीवर्क, हुई दिवालिया, अमेरिका और कनाडा के बाहर नहीं होगा असर। विप्रो कर्मचारियों को 3 दिन आना होगा ऑफिस, लागू हुई हाइब्रिड वर्क पॉलिसी, रिमोट वर्क पॉलिसी को बदल रही कंपनियां। घायल मैक्सवेल ने अफगानिस्तान को चटाई धूल, अकेले ही 11 खिलाड़ियों पर पड़ गए भारी, ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण अफ्रीका भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। वो कैच छूटना मैच का टर्निंग पॉइंट था, अफगान कप्तान शाहिदी ने बताया हारने का कारण, शाहिदी ने अपनी टीम के परफॉर्मेंस की भी सराहना की।
वीरेंद्र सहवाग, लक्ष्मण से लेकर सचिन और जाफर तक हर किसी ने ग्लेन मैक्सवेल की पारी को बताया सर्वश्रेष्ठ। ऑस्ट्रेलिया ने हारी हुई बाजी अपने नाम कर ली। ग्लेन मैक्सवेल ने दोहरा शतक जड़कर रिकॉर्ड लगाए, रिकॉर्ड्स की झड़ी रन चेज में रच दिया इतिहास। दिग्गज कपिल देव का रिकॉर्ड भी किया धाराशाही। मैक्सवेल का कैच छोड़ना अफगानिस्तान को पड़ा भारी। ऑस्ट्रेलिया ने जीती हारी हुई बाजी। 202 रनों के पार्टनरशिप में पेंच कमिंस ने बनाए 12 रन। हारिस रऊफ की गेंद पर विराट कोहली के छक्कों को आईसीसी ने बताया शॉट ऑफ द सेंचुरी। वर्ल्ड कप में आग उगल रहा है विराट कोहली का बल्ला। स्टार प्लेयर अनामुल हक ने शाकिब अल हसन को किया रिप्लेस। फ्रैक्चर हुई शाकिब की उंगली। अनुभवी खिलाड़ी हैं अनामुल हक। नासा के स्पेशल ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सड़क हादसे का शिकार हो गए थे ऋषभ। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त करने का फैसला रद्द हुआ। कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। तब तक के लिए पुराने बोर्ड मेंबर्स को जगह दी। मैक्सवेल ने कहा एलबीडब्ल्यू से बचने के बाद पता चला गेंदू पर आएगी। धुआंधार शॉट खेले गर्मी के चलते, वार्म अप नहीं किया तभी मैच में बिगड़ी तबीयत। अभिषेक से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करने पर ट्रोल हुई अंकिता लोखंड ने। फैंस ने दिया साथ। अंकिता कहती है कि सुशांत बहुत ही शांत थे। रोमन शॉल के साथ दिवाली पार्टी में गए सुष्मिता सेन। एक्ट्रेस का पल्लू संभालते नजर आए एक्स बॉयफ्रेंड। सुष्मिता ने रोहमन के साथ फोटोज क्लिक कराई। गोरे होने के लिए मैंने कई क्रीम्स लगाई लेकिन कुछ नहीं बदला। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आती थी अपने चेहरे पर शर्म। सेल्फी लेने के चक्कर में हद पार कर गया फैन। गिरते गिरते बचे सैफ अली खान। सैफ ने बॉडीगार्ड उन्हें पीछे होने के लिए कहते हैं। एलविश यादव के साथ सांप कांड में घसीटा जा रहा मनीषा रानी का नाम। फैजल अंसारी ने दर्ज कराई एफआईआर। किया बड़ा दावा। समर की मौत के बाद गिरी अनुपमा की टीआरपी। सागर पारेख बोले लोग डिस्कनेक्टेड है क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि समर की डेथ हो गई है। बिग बॉस 16 फेम अब्दू रोजिक ने किया पहला उमरा। फिलिस्तीन के लिए मांगी दुआ। बिग बॉस 16 में नजर आए थे अब्दू। रणबीर कपूर के एनिमल ने बनाया रिकॉर्ड। अमेरिका में 888 स्क्रीन पर रिलीज होगी। शाहरुख खान की जवान से भी आगे निकली। कॉफी विद करण शो बंद करवाना चाहते थे रणबीर कपूर। कहा था वो हमसे पैसे कमाता है लेकिन हम साल भर पिसते हैं। हम रहे या ना रहे वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। रिलीज हुआ सैम बहादुर का ट्रेलर। विकी कौशल ने किया इंप्रेस। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस